बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ऑलराउंडर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलराउंडर क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोगों को कुछ देरी में पता चले जाएगा। ये कंपनी अभी ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड कराती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी। अगर एटीएम के बारे में बात करें तो एटीएम का भी कुछ करती है ये कंपनी। तो पहले चार्ट पैटर्न देखते हैं, क्या उसका बेस्ट एंट्री, क्या उसका टारगेट निकल के आता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, क्या सब कुछ प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सब कुछ एक बार देख लेते हैं, फिलहाल चार्ट के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी का। इस कंपनी का नेम है वकरंगी लिमिटेड। ये वनडी का एनएससी का डेली चार्ट आप खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में ये ऑलमोस्ट 0.12% अप था। यह फिलहाल अभी 41 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। अगर ये जो लेवल है 40.4 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया आप लोग देख सकते हो, अगर इससे पेनिट्रेट करके नीचे चली जाती है तो 25 की लेवल्स तक दिखा सकती है। अगर आप लोग 25 की लेवल्स दिखाती है कंपनी 25 रुपीज़ के आसपास बाउंस बैक के टाइम, मान लो इससे नीचे चला जाए तभी बाई मत करना। फिर से जब ऊपर आएगा या 25 रुपीज़ क्रॉस करेगा तब आप लोग बाई करके चल सकते हो। या 25 रुपीज़ के आसपास जब ट्रेड करते हुए जब ये जो सपोर्ट है इससे लेकर बाउंस करेगी तब आप लोग एंटर करना। क्या पता आप लोग ये जब डाउन जा रही है तभी आप लोग, मैंने बोला है 25 रुपीज़ में एंटर करने के लिए, तो 25 रुपीज़ में एंटर कर लिए और उसके बाद फिर से 25 से नीचे चले जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो। अगर बाउंस बैक के टाइम बाई करोगे तो एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाएगा नेक्स्ट टारगेट तक। जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो निकल जाता है अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास। तो एक बार देख सकते हो आप लोग ये यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे बाई करता था तो उसको एक लॉस होता था और जब बाउंस बैक कंफर्म हो गया तो वो लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते थे। मतलब उससे तो नीचे का प्राइस पे ही मिलेगा उन लोगों को, या तो फिर अगर ऊपर भी मिलता है तो एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, चांसेस कम है लॉस होने का। सेफ खेलो भाई, स्टॉक मार्केट है, क्या होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए जितना हो सके कन्फर्म रहो अपने साइड से। और हाँ गाइस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले या तो फिर अपने खुद का रिसर्च ऐड कर ले। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है। तो फर्स्ट अगर 25 के लेवल से मिलता है तो फर्स्ट टारगेट निकल करता है अराउंड 40 रुपीज़, सेकेंड टारगेट 53.05, थर्ड 59.75 और फोर्थ 70 का टारगेट। अगर 70 रुपये का जो 52 हाइक है वो तोड़ जाए तो 100 रुपये तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है आराम से। वो अभी नहीं होने वाला है ये कन्फर्म है। तो इसका अर्निंग्स देख लेते कब आएगा, जो 17 अगस्त को आएगा। छोड़ दो गाइस, ये बहुत ही लेट होगा हम लोगों के लिए क्योंकि तब तक तो ये गिर के ऊपर जाके गिर भी जाएगा शायद, ये तो फिर नीचे भी ट्रेड कर सकता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे जब, अगर अभी तो फिलहाल ये 41 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये बाउंस बैक दे देती है कंपनी तो फर्स्ट टारगेट 53.05, सेकेंड टारगेट 59.75 और थर्ड टारगेट 70। तो मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि आप लोग 53 पॉइंट फर्स्ट टारगेट आने पे प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। जो अपना प्रॉफिट है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, वो निकाल लेना और प्रॉफिट को मार्केट में रहने देना है। वो सब स्टॉक्स जो है वो सब अगर कंपनी अपर सर्किट में क्लोज होता है तब उन स्टॉक्स के लिए वो है वो थ्योरी। अगर आप लोग ट्रेडिंग होता है तो आराम से आप लोग सेल कर सकते हो किसी भी प्राइस में, एटलीस्ट आप लोग को लॉस नहीं होगा। या वो जो फिक्स्ड मेंटेलिटी है वो सिर्फ पेनी स्टॉक्स के लिए है जो अपने हाई अपर सर्किट या लोअर सर्किट में क्लोज होता है स्टॉक। बाई करने के टाइम अपर सर्किट, सेल करने के टाइम मतलब नीचे जाने के टाइम लोअर सर्किट में क्लोज होता है स्टॉक, तब उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग 99% के 100% रिटेलर्स 1000 में से 1 रिटेलर वैसे सेल कर सकते हैं बीच में एम ऑर्डर डाल के 6 या 7 बजे के अराउंड। लेकिन 99.99% केसेस में रिटेलर सोल्ड नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब टारगेट आए तब बेच देना या तो फिर जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल लेना। क्योंकि अगर आप लोग ये स्टॉक में कोई मुसीबत ही नहीं है, मान लो कोई 70 रुपये के टारगेट के लिए, ये जो स्विंग देख सकते हो ये स्विंग में आप 70 रुपये के टारगेट के लिए वेट कर रहे थे किसी कोई पर्सन, तो आप लोग आराम से एक बार दो बार एग्जिट करने का मौका मिला, 3 बार भी एग्जिट करने का मौका मिला, क्या पता वो 59.60 के लेवल में बाई किया होगा। तो आराम से वो 63 या 62 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में भी आराम से एग्जिट करके बाहर निकल सकते थे वो लोग। लेकिन पेन स्टॉक में ऐसा नहीं होता, अगर लोअर सर्किट गिरता है तो लोअर सर्किट में ही आके क्लोज होता है और सेलिंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए मैं बोलता हूँ हाँ आप लोग कर सकते हो 53 में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, अगर सुपर सेफ खेलना चाहते हो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो रहने प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल लेना,
और जो रेस्ट प्रॉफिट है वो 59 और 70 रुपीज़ के टारगेट के लिए रहने देना है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो ये सब स्टॉक में आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं NSE का डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल करता है कंपनी का, और देख लेते हैं उसके बाद प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग कंपनी है या नहीं, मतलब कौन सी कंपनी है प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वकरंगी का NSE का चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी IT में लिस्टेड है कंपनी, और जो 52 वीक हाई निकल करता है अराउंड 69 रुपीज़ के आसपास निकल करता है, 52 वीक लो 24 रुपीज़ के आसपास, सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग क्वांटिटी है, सेलिंग पेंडिंग क्वांटिटी है 32,514 जो कि 41.05 रुपीज़ के लेवल में निकल के आता है। और अगर लास्ट फ्राइडे को ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है जिसका वैल्यू निकल करता है ऑलमोस्ट 551 लाख रुपीज़। अगर डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो 67% डिलीवरी में लोग घर लेके गए, मतलब CNC में घर लेके गए, तो एक बाउंस बैक आने की चांसेस 80% तक है, क्या पता 20% में बाई मत करना। स्टॉक मार्केट है, कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं बता सकता, हज़ार जितने भी बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो वो ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो कंपनी ऊपर ही जाएगा, तो कन्फर्मेशन के बाद ही बाई करना, इसे देख के बाई मत करना, क्या पता नीचे गिर जाए, किसी को नहीं पता। जैसे कि मैं बता रहा था वकरंगी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग डाइवर्स सॉल्यूशन एक्टिविटीज़ इन ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, व्हाइट लेवल ATM, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर इंक्लूडिंग बुलियन एंड ज्वेलरी दो थ्रू इज वकरंगी केंद्र ऑन B2B एंड B2C, माने मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर विद स्पेशल कॉम्पिटिशंसेज इन हैंडलिंग मैसिव मल्टी स्टेट ई गवर्नेंस एनरोलमेंट प्रोजेक्ट डाटा डिजिटलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइसेंस सोर्स, ये सब अलग पढ़ के जा सकते हो, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप निकल गया 4,349 करोड़ के आसपास का, ROC 2.57%, ROE 1.96, बुक वैल्यू 24.8, करेंट प्राइस 41 रुपीज़ के आसपास, हाई 69.8, 24 रुपीज़ के आसपास लो निकल गया है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.61% का। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये प्रोज है, कंपनी इज डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ अदर इनकम ऑफ, ये सब इतना भी कुछ खास नहीं है, अदर इनकम वाला वो थोड़ा इशू है, लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है सेल्स के मुकाबले, सेल्स में अच्छा खासा जम देखने को मिला है लेकिन एक्सपेंसेस में भी अच्छा खासा जम देखने को मिला है, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक डबल जम देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि 18.4 करोड़ का बस जम देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है आप लोगों को, और ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट का फिगर है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें जो अदर इनकम है उससे छोड़ के, अदर इनकम आप लोग देख सकते हो 80, उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है, उसके बावजूद ये कंपनी अपने जो लास्ट प्रॉफिट है उसके आसपास ही है ऑलमोस्ट, मतलब 14 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला है लेकिन ठीक है। बोरोइंग जीरो है कंपनी के पास, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी है, एक अच्छी पॉइंट है इसके बारे में कंपनी के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो DII, FII सबका होल्डिंग है, 41% के अराउंड पब्लिक का होल्डिंग है, पब्लिक मतलब रिटेलर्स का 41 तो छोड़ ही दो भाई, 37% के आसपास रिटेलर्स का होल्डिंग है, 38% के आसपास रिटेलर्स का होल्डिंग है, जो FIIs है वो लगातार अपने स्टेक बेच रहा है, फिलहाल अभी इसने बाय किया है लास्ट जो ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर में इसने बाय किया है। DIS के बारे में बात करते हैं तो DIS ने अपने स्टेक इंक्रीज किया है और पब्लिक से माल छिपा जा रहा है, मतलब उठाया जा रहा है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, और हाँ गाइस इस स्टॉक को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हो क्योंकि FIIs एंड DIIs ने इस स्टॉक में अपने होल्डिंग इंक्रीज किया है, तो बाय करके चल सकते हो, बाकी आपके ऊपर है आप लोग क्या करोगे। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम में पर्सनली DM मत करना प्लीज़। बाय गाइस।